नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज हम नए एक संस्था पढ़ रहे हैं लाइब्रेरी के अंदर, ईफ्ला। ईफ्ला की स्थापना कब हुई, ईफ्ला की फुल फॉर्म क्या है, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसके बारे में सब, इसके प्रकाशन, इसके न्यूज लेटर सब हम इसका पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो हम शुरू करते हैं ईफ्ला। तो ईफ्ला की पहले सबसे पहले फुल फॉर्म क्या है वो देखते हैं। ईफ्ला, IFLA, ईफ्ला। आई का मतलब इंटरनेशनल, एफ का मतलब फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी, एल का मतलब लाइब्रेरी, ए का मतलब एसोसिएशन, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। फिर एक नया वर्ड जोड़ दिया इसके पीछे, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी इंस्टीट्यूशन, लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन वर्ड जोड़ा 1976 के अंदर, ये जोड़ा 1976 के, इसको 1976 में जोड़ा, इंस्टीट्यूशन शब्द को जोड़ा 1976 के अंदर, ये वर्ड नया जोड़ा है, इसको याद रख लेना आप। अब हम पढ़ते हैं ईफ्ला की स्थापना। ईफ्ला की स्थापना कब हुई थी, तो 30 सितंबर 1927 को स्थापना, 30 सितंबर। इसकी स्थापना है स्कॉटलैंड। इसकी स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई थी, स्कॉटलैंड के। अगर इसकी पूछ रजिस्ट्रेशन कहाँ पर किया गया, तो रजिस्ट्रेशन इसका 1971 के अंदर गया, 71 के अंदर कहाँ किया गया, कहाँ, नीदरलैंड के अंदर। इसका बोले रजिस्ट्रेशन किया 1971 के अंदर, कहाँ, इस नीदरलैंड के अंदर, लैंड में। अगर रजिस्ट्रेशन पूछ ले कहाँ किया, रजिस्ट्रेशन किया नीदरलैंड का 1971 के अंदर। और इसका भी पूछ ले मुख्यालय कहाँ है, ईफ्ला का मुख्यालय कहाँ है, तो हेंग, हेंग कहते हैं इसका मुख्यालय है अभी। ये थी अपने ईफ्ला की छोटी सी इंफॉर्मेशन। ईफ्ला की फुल फॉर्म क्या है, वो नया वर्ड इंस्टॉलेशन कब जोड़ा था, स्थापना कब हुई, किस जगह पर हुई, फिर इसका रजिस्ट्रेशन अलग जगह पर किया, काम किया नीदरलैंड 1971, और इसका मुख्यालय का है। ये थी ईफ्ला की छोटी सी। अगर भारत पूछ ले तो भारत ईफ्ला के सदस्य कब है, तो 1957 से भारत इसका सदस्य है। यहाँ लिख लो भारत 1957 से ईफ्ला का सदस्य है। ये हुई ईफ्ला के बारे में बात। अगर इसके पूछ ले ईफ्ला के संगठन, तो इसके संगठन के 8 विभाग है, अलग अलग देशों के अंदर 8 इसके कार्यालय हैं, वहां इनके, ये आप लिख लेना, ईफ्ला के अलग अलग देशों के अंदर 8 विभाग खोले हुए हैं। हम अब पढ़ते हैं ईफ्ला की गतिविधियां, ईफ्ला ने कौन कौन से कार्यक्रम चलाए। तो सबसे पहले हम, ये हमने छोटी सी इंफॉर्मेशन थी ईफ्ला के बारे में, अब हम ईफ्ला की गतिविधियों के बारे में पढ़ेंगे। हेडिंग लगाओ गतिविधियां। अब हम पढ़ते हैं ईफ्ला की गतिविधियां। तो सबसे पहले गतिविधियां थी अपने UBC, यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोलर। यूनिवर्सल इंग्लिश के अंदर नाम है यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोलर। अगर इसका हिंदी में पूछ ले, हिंदी के अंदर थोड़ा सा अलग नाम है, ग्रंथ पूरक नियंत्रण, ये इसका इंग्लिश के अंदर नाम है। अगर इसको शुरू कब किया, तो 1973-74 में इसको शुरू किया गया। कब आया यूबीसी, 1973-74, डेट कोई एक आएगी अपने, 73 या 74 दोनों आएगी तो क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा अपने, टेंशन मत लेना। यूबीसी कब शुरू हुई, 1973-74, ज़्यादातर इसका ऑप्शन 73 ही आता है, कई जगह मैंने देखा, कोई पुराने एग्जाम पेपर देख लेना, लगभग 73 ही इसका लिखा होता है। अब आया UDT, यूनिवर्सल डाटा फ्लो एंड टेली कम्युनिकेशन, UDT। इसका उद्देश्य क्या था, इसके डाटा को इलेक्ट्रॉनिक रूप प्रदान करने के लिए। अगर इसका उद्देश्य लिखना चाहो आप, तो लिख लेना, डाटा को इलेक्ट्रॉनिक रूप प्रदान करने के लिए UDT, यूनिवर्सल डाटा फ्लो एंड टेली कम्युनिकेशन,
एंड टेली कम्युनिकेशन, इसके लिए डाटा और इलेक्ट्रॉनिक रूप प्रदान करने के लिए यूडीटी का गठन किया गया। कब शुरू किया? 1981 के अंदर। कब शुरू किया? 1981 में। यार जरूर लिखना है यूडीटी। फिर आता है यूएपी, यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन, यूएपी। कब शुरू किया? 1982 के अंदर। ये बहुत बार क्वेश्चन आ रखा है यूएपी, यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी पब्लिकेशन, उन्होंने कब शुरू किया, ये सीधा डेट ही पूछते हैं कि कब किया, 1982 के अंदर। ये थी अपने तीन। यूबीसी, यूबीसी का आप उद्देश्य लिख लो, दो देशों के बीच साहित्य या पुस्तकों का आदान प्रदान करने के लिए शुरू किया था यूबीसी, ई प्लान है, ताकि दोनों का आपस में कम समय के अंदर, कम खर्चे के अंदर वो पुस्तक या साहित्य आदान प्रदान की जा सके, दोनों दो देशों या दो से अधिक देशों के बीच। क्या शुरू किया? यूबीसी। यूडीटी मैंने बता दिया आपको, डाटा को इलेक्ट्रॉनिक रूप प्रदान करने के लिए यूडीटी, और यूएपी यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी सबको पब्लिकेशन उपलब्ध कराने के लिए 1982 के अंदर ये शुरू किया। ये किया अपने तीन गतिविधियां। चौथी गतिविधि अपन लिखते हैं यहाँ पर, 1984 के अंदर उन्होंने एक गतिविधि कराई थी, 1984 प्रोग्राम का नाम यही था, पुस्तकालय अध्यक्ष का अग्रणी विकास, इसी नाम से इन्होंने 1984 के अंदर एक प्रोग्राम चलाया था। ये अपने थी गतिविधियां। अब नेक्स्ट गतिविधि देखते हैं अपन। नेक्स्ट गतिविधि अपने FAIFE, फुल फॉर्म है फ्रीडम एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, फ्रीडम एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड फ्रीडम एक्सप्रेशन, फ्रीडम एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड फ्रीडम एक्सप्रेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसको कब शुरू किया? तो इसको शुरू किया 1997 के अंदर, इसको शुरू किया गया था 1997 में शुरू। ये प्रोग्राम कब शुरू किया गया? 1997 में इसको शुरू किया गया। फिर अपने बात है इसकी हिंदी के अंदर अगर देख ले, सूचना की प्राप्ति है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये इसका हिंदी में अर्थ है, तो लिख लो यहाँ, सूचना की प्राप्ति एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का महत्व है, महत्व इसकी ये हिंदी के अंदर फुल फॉर्म है। ये अपने थी इसकी। एक और लिख लेना PSE, कब किया? इसकी एक और लिख लेना, यहाँ लिख देता हूँ मैं PAC, इसकी एक गतिविधि थी PAC। PAC कब शुरू किया? 1986 के अंदर। इसका अर्थ है PAC है सूचना का संरक्षण एवं सुरक्षा के उपाय। कब शुरू किया? 1986 के अंदर इसको शुरू किया। ये थी अपने ई प्ला की गतिविधियां, जो पांच चार गतिविधियां थी मैंने वो पूरी लिखा दी इसकी। फिर अपने आते हैं ई प्ला के सेमिनार, तो सबसे पहले ई प्ला के सेमिनार लिखते हैं, इसके बाद यहां लिख दो सेमिनार, सम्मेलन या सेमिनार एक ही बात है, सेमिनार। सबसे पहले 1992 के अंदर इन्होंने एक सम्मेलन कहाँ किया था? दिल्ली के अंदर इन्होंने एक सम्मेलन किया, दिल्ली में वार्षिक सम्मेलन 1992 इंडिया का, इसीलिए लिखा रहा हूँ दिल्ली में वार्षिक सम्मेलन। सम्मेलन ये 1992 के अंदर शुरू किया था। फिर 2002 के अंदर इब्ला की 75वीं वर्षगांठ थी, तो इसके अंदर एक सम्मेलन हुआ था, ये इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन इसकी 75वीं वर्षगांठ है इसलिए इसको लिखा देते हैं 2002। इब्ला की 75वीं वर्षगांठ पर पोलैंड में
पोलैंड में को में आयोजित पिछले 3 वर्ष का सेमिनार था पोलैंड में ग्लासगो पास है, ये लिख लो या तो पोलैंड के पास ग्लासगो शहर में आयोजित कहा आयोजित किया, पोलैंड के पास ग्लासगो के शहर में आयोजित किया गया। फिर अपने 2018 की बात करें, लेटेस्ट की बात कर लेते हैं, 2018 कहाँ हुआ था, मलेशिया के अंदर कौन जगह पूछ रहे तो कुआलालंपुर 2018 मलेशिया, देश का नाम तो है मलेशिया और जगह तो पूछ ले कुआलालंपुर, ये वहां की जगह है जहां पर ये आयोजित किया हुआ कुआलालंपुर, कुआलालंपुर आधा ले है ये कुआलालंपुर मलेशिया के अंदर 2018। अगर 2019 की बात करें तो 2019 का शुरू हुआ था एथेंस का है ग्रीस के अंदर 2019, ये इसकी 85वीं वर्षगांठ थी, कहाँ हुआ था एथेंस में, देश का नाम था ग्रीस एथेंस में, ये एथेंस कहाँ है ग्रीस के अंदर ये है 2019 की वहां पर हुई थी। अगर पूछ ले 2020 की कहाँ है 2020 की, तो 2020 के अंदर ये अगस्त के अंदर होगी, कब है 15 से 21 अगस्त के बीच के अंदर ये शुरू होगी, कहाँ होगी ये डबलिन के अंदर 2020 कहाँ है डबलिन में होगी, डबलिन में 2020 में कहाँ होगी डबलिन में आयोजित होगी, ये कौन सी होगी 86वीं इसकी कॉन्फ्रेंस होगी और कब आयोजित होगी, तो ये 15 से 20 अगस्त के मध्य इसके आयोजित होगी। अब देखते ई प्लाक जितनी भी सेमिनार है उसका एक कॉमन नाम रखा गया है, क्या है वर्ल्ड लाइब्रेरी कांग्रेस, लिख लेना आप, ई प्लाक जितनी भी कॉन्फ्रेंस है उसका सिर्फ एक कॉमन नाम है, फिर उसका नाम चेंज कर देते हैं आगे पीछे कुछ लगा नया नाम जोड़ देते हैं, तो उसका नाम था वर्ल्ड लाइब्रेरी कांग्रेस, जैसे ये 85वीं 2019 का था, इसका था क्या लाइब्रेरी इसका था, तो लाइब्रेरी आगे क्या डायलॉग पर चेंज नाम से इसको सेमिनार आयोजित किया गया था 2019 का, लिखना चाहो तो आप लिख लो लाइब्रेरीज डैश डायलॉग फॉर चेंज, ये इसका नाम था 2019 के अंदर। अब अपन करते हैं इप्ला की जितनी प्रकाशन है उसके वार्षिक प्रकाशन को वो लिखने का प्रयास करते हैं एक बार, अब हम देखते हैं इप्ला के प्रकाशन, इप्ला के प्रकाशन कौन है, तो सबसे पहले इप्ला जनरल का प्रकाशन किया जाता है वो इप्ला के द्वारा त्रैमासिक किया जाता है, कब किया जाता है इप्ला जनरल त्रैमासिक, फिर आता है इप्ला एनुअल, ये तो एनुअल का मतलब वार्षिक, फिर आता है इप्रा डायरेक्टरी, ये होता है अर्धवार्षिक, इप्रा डायरेक्टरी हाँ ये हर अर्धवार्षिक मतलब 6-6 महीने के अंदर इसका प्रकाशन होता है, फिर इप्रा इप्ला कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग, इप्ला जो अभी मैंने इससे पहले हमने पढ़ी वही कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग सम्मेलन का कार्य हर कब किया जाता है हर वार्षिक हर साल एक बार किया जाता है, त्रैमासिक मतलब हर 3 महीने, वार्षिक का मतलब हर 1 साल के अंदर, अर्धवार्षिक मतलब हर 6 महीने के अंदर और वार्षिक मतलब वापस 1 साल के अंदर ये किया जाता है इप्ला के द्वारा। अब हम पढ़ते हैं इप्ला के अध्यक्ष, आइए इप्ला के प्रथम अध्यक्ष आइजक कुलिगन, ये है इप्ला के प्रथम अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष थे आइजक कुलिजन, अभी कौन अध्यक्ष थे तो क्रिस्टिना मैकेजी कहाँ की है ये महिला, ऑस्ट्रेलिया की मतलब महिला है ये, वर्तमान प्रथम अध्यक्ष होगी, वर्तमान अध्यक्ष की बात करें अपन अध्यक्ष
क्रिस्टिना मैके जी, ये है महिला। नाम से आपको अलग लगता होगा, कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की। ये भी ईफ्ला की अध्यक्ष है। अगर ईफ्ला की पूछ ले वर्तमान सेक्रेटरी कौन है, सेक्रेटरी कौन है, तो ईफ्ला वर्तमान सेक्रेटरी पुरुष है, वर्तमान जनरल। गेरेल्ड लेटनर, क्या नाम है? गेरेल्ड लेटनर, इसका वर्तमान में सेक्रेटरी है। ये थी अपने ईफ्ला, पूरी ईफ्ला में गेरेल्ड सेक्रेटरी वर्तमान के अंदर है। ये हम थी हमारी ईफ्ला जो हमने पूरी लिखने की प्रयास की थी, जिसके अंदर जितने भी इस ईफ्ला के जो प्रोग्राम है हमने इसको पूरा लिखा था। डेट इसकी याद जरूर लिखना, 30 सितंबर 1927 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है, ये बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। ये थी अपने ईफ्ला। तो नेक्स्ट वीडियो के हम मिलते हैं नए एक संघ के साथ, यूनेस्को के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय श्री कृष्णा।